जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धनतेरस 23 अक्टूबर को इस साल पड़ने वाली है। आइए 23 अक्टूबर को धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं कि पूजा आपको कब करनी है। शाम का वक्त जो प्रदोष काल का समय रहेगा वो 23 अक्टूबर रविवार को शाम को 5:44 से 6:05 तक का रहेगा। तो इस अंतराल में आप लोग पूजा कर सकते हैं, यानी पूजन की कुल अवधि 21 मिनट की रहेगी। वहीं दोस्तों दिवाली इस बार 24 अक्टूबर सोमवार को है और इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है 24 अक्टूबर की शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक, यानी पूजन की कुल अवधि 1 घंटे 21 मिनट की है। आज इस वीडियो में दोस्तों धनतेरस से जुड़े सभी नियम, पूजा विधि और उपाय, संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन आइए उससे पहले हम बात करते हैं धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। धनतेरस के दिन अगर कछुए की अंगूठी आप चांदी की बनाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करें तो सोना ही सोना बरसता है, माँ लक्ष्मी जी सदैव वास करती है आपके घर में। अब दूसरी चीज, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो धनतेरस के दिन आप माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की फोटो, तस्वीर या फिर मूर्ति लेकर के आइए। तीसरी चीज हम आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन मोर का पंख लेकर के आइए अपने घर पर, ये काफी शुभकारी माना जाता है। और इस मोर के पंख को आप चाहे तो मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए या फिर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की फोटो है वहाँ पर लगा दीजिए, धन ही धन बरसेगा। सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहेगी। धनतेरस के दिन आप शंख लेकर के आइए, शंख काफी शुभ माना जाता है। पांचवी चीज, माँ लक्ष्मी जी के चरण पादुका। माँ लक्ष्मी जी की चरण पादुका लेकर के आइए और अपने पूजा स्थान पर आप इसे रख दें या फिर माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें और दीपावली के दिन पूजा आराधना करें। यकीन मानिए घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टी की माला लेकर के आइए। यदि आप कमल गट्टी की माला लेकर आते हैं तो लक्ष्मी जी दोनों हाथों से कृपा बरसाएंगी आपके घर में, छप्पर फाड़ के धन संपत्ति की बारिश होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी आपको। तो धनतेरस के दिन जिस भी चीज को लेकर आए वो जरूर दीपावली के दिन उसकी पूजा आराधना करें। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया बहुत ही शुभकारी माना जाता है, माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, इसीलिए इसे जरूर लेकर के आए और इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें, इसकी पूजा करें और उसके बाद आप बो दें अपने गमले में या फिर कहीं पर भी। अगर आपके घर में ये उग आए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना हुआ है। दोस्तों धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य खरीदिए, इसे शुभ माना जाता है। आप गणेश लक्ष्मी की मिट्टी या फिर सोने चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान गणेश की सूंड बाई तरफ होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हो और उनके हाथ से धन गिर रहा हो, ऐसी मूर्ति शुभ होती है। अगली चीज है गोमती चक्र। गोमती चक्र 5, 7, 11 या फिर 21 की संख्या में खरीदना शुभ होता है। ये विष्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन गोमती चक्र अपने घर जरूर लाइए और दिवाली की पूजा करके इसे अपने तिजोरी या गले में रख दें या फिर आप इसे गले में धारण करें। इस दिन मिट्टी के दीपक घर लेकर के आइए। दोस्तों दिवाली रोशनी का त्योहार है और दीपक के बिना दिवाली अधूरी होती है, ऐसे में आप धनतेरस के दिन ढेर सारे छोटे छोटे दीपक जरूर खरीदिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि धनतेरस के दिन आप छोटी छोटी चीजें भी लेकर आए। बहुत से लोग बर्तन लेकर आते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि लोहे वगैरह का सामान खरीद लेते हैं, तो आपको बता दें इस दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, तो ये गलती ना करें। इस दिन आप झाड़ू लेकर के आइए। झाड़ू आप जानते ही हैं बहुत महंगा भी नहीं मिलेगा और झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लेकर आए और दिवाली के दिन आप पूजा करें तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बरसती है, क्योंकि झाड़ू पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी को अगर आकर्षित करना है, उन्हें प्रसन्न करना है, तो आपको झाड़ू लेकर आना चाहिए। और झाड़ू एक ऐसी चीज है जो आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनाती है, घर की साफ सफाई में काम आती है, इसीलिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर लाइए। अगली चीज है दोस्तों कौड़ी। कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। कौड़ी तो आप जानते होंगे, कौड़ी 11 की मात्रा में लेकर आए, 5 की मात्रा में लेकर आए या 7 की मात्रा में लेकर आए, कौड़ी जरूर लाइए धनतेरस के दिन और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और दीपावली के दिन पूजा आराधना करें तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों काला रंग अशुभ माना जाता है,
ऐसे में इस दिन आप काले रंग की कोई भी वस्तु ना खरीदें। चलिए अब आपको बता दें कि दिवाली में जो गिफ्ट आप देते हैं वो कैसे गिफ्ट होने चाहिए। तो दिवाली के मौके पर बहुत से लोग गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति उपहार स्वरूप दे देते हैं। ज्योतिष के हिसाब से ऐसा करना बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा कर आप अपना सौभाग्य, आप अपना धन किसी दूसरे को दे रहे हैं। तो भूल कर भी लक्ष्मी जी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति या इनसे संबंधित कोई भी चित्र किसी को गिफ्ट ना करें। आइए अब जान लेते हैं इस दिन क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और पूरा वर्ष, आने वाला साल आपके लिए बहुत बेहतर हो जाए। उसके लिए आप ये उपाय कीजिए। इस दिन आपको 5 झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन 5 झाड़ू खरीदनी है। 1 झाड़ू अपने घर में आपको रखनी है, 4 झाड़ू आपको दान कर देनी है। दोस्तों 4 झाड़ू आपको 4 मंदिरों में दान करनी है। आप 4 मंदिरों में दान करेंगे, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये उपाय आप कीजिए। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीपक लगाने चाहिए। ये काम सूरज डूबने के बाद किया जाता है, लेकिन यम का दिया जब लगाएं तो परिवार के सभी सदस्यों का होना जरूरी है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीप का इस्तेमाल करें, उसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बाती बनाएं। घर से दीप जलाकर लाएं और घर से बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। तो दोस्तों धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी जी की स्थापना करें। इसी के साथ ही माँ लक्ष्मी व गणेश जी की भी प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। अब दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प फल आदि चीजें अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। धनतेरस पर निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ स्थानों पर दिया जलाने की बात हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। आइए जानते हैं धनतेरस पर निर्धनता दूर करने के लिए किन स्थानों पर दिया जलाएं। निर्धनता दूर करने के लिए अपने पूजा घर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जलता रहे। अगर दीपक भाई दूज तक अखंड जलता रहे तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बाती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। दिए को रखने के स्थान पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि दीपक को सीधे धरती पर ना रखें। पहले चावल की थोड़ी सी डेरी लगाएं और फिर दिए को उस डेरी पर रखें। घर के तेल का दीपक प्रज्वलित करें तथा उसमें 2 काली गुंजा डाल दें। उसके बाद गंधक आदि सामग्री से पूजन करके घर के मुख्य द्वार पर अन्न की डेरी पर दिया रखें। साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। ध्यान रखें वो दीप रात भर जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन रात भर घी का दिया जले सूर्य उदय तक तो बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली की शाम को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाएं तो बहुत ही मंगलकारी होता है। इसके अलावा धनतेरस की रात कुछ उपाय आपको मालामाल बना सकते हैं। धनतेरस की रात घर से बाहर निकलकर 1 कौड़ी आप अपनी छत पर फेंक दें। माना जाता है कौड़ी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, तो ये एक तरह से माँ लक्ष्मी को आप घर में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिलता है। माता रानी आपसे क्रोधित हो जाती है। अब सवाल आता है कि धनतेरस पर झाड़ू लाएं या दिवाली पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन होता है, आपको झाड़ू इस दिन लानी चाहिए। लेकिन अगर इस दिन आप चूक जाएं तो आप दिवाली के दिन ले आइए, लेकिन धनतेरस पर लाना ज्यादा शुभ रहता है, सही रहता है। धनतेरस इन जगह पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, मुख्य द्वार, तुलसी के पास। और अगर इस दिन चौराहे पर आप एक दिया रख आते हैं और वापिस आते समय पीछे मुड़ करके ना देखें तो घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होता है। काला धागा इस दिन घर के मुख्य द्वार पर बांध लें तो कभी किसी की नजर नहीं लगती है। और नजर दोष अगर बार बार लगता है आपके घर के किसी भी सदस्य को, तो आपको दिवाली की रात काले धागे में 7 मिर्ची और 1 नींबू पिरो करके लटका देना चाहिए। इससे नजर दोष में कमी आती है।
है इसे मुख्य द्वार पर लटका लीजिए। रात को घर के बाहर आप द्वार के पास थोड़ा सा साबुत धनिया गिरा दे और माता रानी का जयकारा लगाए, जय माँ लक्ष्मी। द्वार के दोनों तरफ इस तरह से गिराना है कि किसी के पैर इस पर ना पड़े, और अगले दिन झाड़ू से वहां सफाई करे और ये धनिया फेंक दे, क्योंकि ये धनिया आपकी बुरी किस्मत को घर से दूर ले जाएगी। दिवाली के इन 5 दिनों में रोजाना ये काम करें, एक लोटा पानी लें, उसमें तुलसी के पत्ते डालें और सुबह शाम छिड़काव करें पूरे घर में। इससे घर का वातावरण सुखमय और पवित्र होता है। मुख्य द्वार के पायदान के नीचे 4 दाने काली मिर्च रख लें। दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अगले दिन इन्हें घर से बाहर दूर फेंक दें। ये अपने अंदर सारी नकारात्मकता समेट लेगी, जिसे अब आपको अगले दिन घर से बाहर कर देना है। अगर पायदान के नीचे नहीं रखते हैं तो काली मिर्च को इस तरह से रखें कि किसी को दिखाई ना दे जाए। दोस्तों, काली मिर्च का ये उपाय भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। काली मिर्च के 4 दाने लें, अब किसी भी चौराहे पर जाकर चारों दिशा में एक एक दाना फेंक दें। अब बोले, दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ, दरिद्रता जाओ लक्ष्मी आओ। ऐसा बोलते हुए अब आप वहां से घर वापिस आ जाइए और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों, तुलसी की जड़ की माला इस दिन घर में लाइए और अपने पूजा घर में रखें। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं, वो जान ले कि धनतेरस की रात आपको पूजा अपने पति के साथ ही करनी चाहिए। पति पत्नी को रात में ये काम साथ में ही करना चाहिए, तो ही पूजा का फल मिलता है। इस दिन शारीरिक संबंध पति पत्नी को नहीं बनाने चाहिए, ऐसा करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि ऐसे में दिवाली के दिनों में आपके घर की पवित्रता भंग हो जाएगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।